आज की वीडियो में आपको मिस वर्ल्ड एक्ट्रेस और मॉडल मानुषी छिल्लर के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मानुषी छिल्लर 22 साल के बाद इंडिया में मिस वर्ल्ड का टाइटल वापस लाई और इसी से उनको एक बहुत ज्यादा फेम मिला और वो बहुत ही जल्दी एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई। मानुषी छिल्लर एक्ट्रेस मॉडल होने के साथ साथ फॉर्मर मिस वर्ल्ड भी हैं। मानुषी छिल्लर की बात करें तो मानुषी को लेकर बहुत सारी चर्चा रहती है और अब रिसेंटली ये बात सामने आई है कि मानुषी छिल्लर सिंगल नहीं है बल्कि वो एक रिनोन बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं। आपको बताते चलें कि मानुषी छिल्लर ज़ेरोडा फाउंडर निखिल कामत को डेट कर रही हैं, जो बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है। और आपको ये भी बताते चलें कि निखिल कामत इससे पहले शादी कर चुके हैं और निखिल कामत 2019 में शादी के खूबसूरत बंधन में बंधे थे, लेकिन एक साल के बाद ही उनकी और उनकी पत्नी के बीच सेपरेशन हो गई क्योंकि दोनों के बीच ज्यादा बनी नहीं। और ईयर 2021 से मानुषी छिल्लर निखिल कामत को डेट कर रही हैं। दोनों ने एक साल अपने इस रिलेशनशिप को अंडर रैप्स रख लिया और ये रिलेशनशिप बाहर नहीं आ सका, लेकिन अब ये रिलेशनशिप बाहर आ चुका है और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं और बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि मानुषी छिल्लर और उनके टू बी हस्बैंड निखिल कामत जो हैं, दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है और दोनों साथ में ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते रहते हैं। रिसेंटली मानुषी छिल्लर और निखिल कामत को ऋषिकेश में देखा गया, जहां पर सिर्फ दोनों ने घूमा ही नहीं बल्कि दोनों ने कुछ टेंपल्स पर जाके प्रेयर्स भी की और अब दोनों की बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और दोनों अपनी आने वाली लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं और दोनों आगे शादी के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों के कपल की बात करें तो दोनों का कपल बहुत ही क्यूट है, दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में टॉप पर हैं और हम आशा करते हैं कि दोनों आगे वाली आने वाली जिंदगी में भी यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते साथ में रहें। आपको मानुषी छिल्लर और निखिल कामत का कपल कैसा लगा और आप दोनों को क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।